हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। ये मेरे लाइफ का पहला ब्लॉग है और मेरा बहुत मन करता है ब्लॉग बनाने का, बट क्या बोलते हैं उसको, हेजिटेशन ये होता है, थोड़ा सा ना झिझक होता है कि आप लोगों के सामने क्या बोलूं क्या ना बोलूं। ये क्या हो गया, क्या बोलूं? अरे ये क्या हो गया, ये एक देखो, ये ना बीवी घूसा मार दी। अच्छा, ये मैंने घूसा मारा? तुमने ही घूसा मारा था, तभी हुआ था, तब ये हुआ। घूसा मारा तभी तो पिंपल हुआ ना। और ये देखिए दोस्तों, ये पिंपल ये थोड़ा सा दाग में बदल गया। हर कोई पूछता है इतना स्मार्ट बच्चे का चेहरे पे दाग हो गया। दिखा जरा स्मार्ट, मैं ब्यूटीफुल हूं, इधर देखना। यस, ये देखो, ये मोटी ब्यूटीफुल है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और आपके दोस्त, ये मेरा पहला ब्लॉग है, आप लोग सपोर्ट करो, रिश्तेदार से कोई नहीं, सब कोई नहीं चलता है, किसी के पास टाइम नहीं होता है आजकल के जमाने में, हर कोई बिजी है। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, लाइक फॉलो सब्सक्राइब। आप जितना ऊपर उठोगे ना, लोग इतना दबाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे छोड़ो वो सब बात को, छोड़ो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो चलिए बंद कीजिए उसको, नेक्स्ट वीडियो में मैं देखता हूँ क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा आपका सरोजनी नगर का, मैं सरोजनी नगर का वीडियो लाने वाला हूँ। तो इस संडे को मेरा दूसरा वीडियो अपलोड होगा, जो कि मेरे घर मतलब दिल्ली से सरोजनी नगर तक का रास्ता, और सरोजनी नगर में सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए और देखिए मेरा नेक्स्ट ब्लॉग, और कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा अपना प्यार बरसाइए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और बस दिन तो ऐसे ही जाते ही हैं सब, किसी के पास कोई टाइम नहीं आजकल। पहले के लोग थे, पहले के जो बच्चे थे खेलते थे क्रिकेट, गुल्ली डंडा, फुटबॉल, अब किसी पे टाइम नहीं है। अब छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों को मोबाइल चाहिए, गेम चाहिए। तो गाइज़ आप लोग गेम और ये सब में छोड़ दो, पहले के लाइफ हुआ करता था, लोग खेलते थे लिटरली फील्ड में जाके, बड़े बड़े ग्राउंड में जाके हम लोग खूब खेलते थे। उस टाइम मोबाइल नहीं हुआ करता था, बहुत अच्छी लाइफ थी, ठीक है। और मुझे वैसे जब मैं गांव में रहता था, मुझे खेती करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मैं खेती भी करता था, और मेरे खेती किया हुआ जो था बहुत अच्छा, मतलब उपजाऊ जो बोलते हैं ना, बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि लोग मुझे जब मैं छोटा था तो बुला बुला के लेके जाते थे कि संतोष तुम आओ मेरे यहाँ, थोड़ा सा बस एक पौधा, पहला जो पौधा होता है ना वो पौधा लगा दो। और मैं जब मुझे याद है जब छोटा था तो उसके भी पैसे भी दे मिलते थे, तो वो दिन बड़ा मस्त दिन था। अब वो खुशी नहीं है जो पहले में था, जब मैं एग्ज़ाम पास करता था या कुछ ऐसा, तो पापा एक बार 30 रुपये की घड़ी दिए थे, उस टाइम डिजिटल घड़ी आया था, बुक 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 वाला। भाई मैं रात भर नहीं सोया, कोई देखता रहा, और वो खुशी अब जो मैं लेता हूँ चाहे कोई भी, उसमें वो खुशी नहीं है। तो ऐसे ही आप लोग मोबाइल से बाहर निकलिए, बाहर की दुनिया को देखिए, और थोड़ा फिज़िकली खेलिए, कूदिए, दोस्त बनाइए। ये हट जाना मोटी, क्यों हटो मैं? चलो बाय बाय गाइस, यार ये अभी परेशान ही करेगी, व्लॉग बनाने नहीं देगी मेरा। अबे जाना यार, कहाँ जाओ, कुछ होके कहाँ जा सकते हो? मायके चली जा। चलो ठीक है गाइस, दोस्तों मेरे भाई और मेरी बहनों, और मेरे भाई और उनकी बहनों, और मेरी भी बहनों, और आप लोग अपना ध्यान रखिए, इंजॉय कीजिए, हम मोबाइल में ज़्यादा मत घुसिए, गेम मत खेलिए, ब्लॉग देख लीजिए, कमेंट कीजिएगा कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग कौन सा लेके आऊँ। मेरे रिश्तेदार भी होंगे, आप वो भी, आप लोगों से भी थोड़ा सा सविनय निवेदन
विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे मेरा शौक है, मैं जो भी कुछ अपना शेयर करूं जो बचपन के जो कुछ शरारते, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ गांव की, बहुत अच्छा चीज़ था। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।